नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 24 सितंबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन स्थिरता को बरकरार रखने का है। आज का दिन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने लिए एकत्रित करते हुए आगे बढ़ना है, मनोबल को इंटैक्ट रखना है। नेगेटिव अप्रोच अगर किसी व्यक्ति विशेष ने आपके तरफ ली है तो उसको इग्नोर करते हुए अपने गोल्स की तरफ बढ़िए। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अवॉइड करिए, मन को शांत करिए, स्थिरता की तरफ बढ़ते हुए चलिए। स्वास्थ्य में इजाफा आपको देखने को मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर चाहे बाहर सिचुएशन या बाहरी सिचुएशन या एक्सटर्नल सिचुएशन कितनी ही टॉपसी टर्वी या ऑन एंड ऑफ क्यों ना हो, लेकिन अंतर मन अगर आपका स्ट्रांग है, आंतरिक अगर आपको पीस मिल रही है, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुख या वैभव देकर जा सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको अपने लिए पूर्णता पॉजिटिविटी की तरफ कोई भी अगर स्टेप लेना है तो उस पर प्लानिंग के लिए तैयार होना चाहिए या अपना प्लान करना चाहिए। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी इनिशिएटिव कार्यक्षेत्र की स्थिरता को और मजबूती दे सकता है। साथ ही साथ अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत, शुभता या कोई पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। आपके द्वारा लिया गया कोई बहुमूल्य डिसीजन आपकी सिचुएशंस को प्रोफेशनली और स्ट्रॉन्ग करके जा सकता है। जिसलिए आप इतने दिनों से अगर किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या किसी एक पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो अब वो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, दिन आपका नॉर्मल रहेगा, उतार चढ़ाव कुछ खास विशेष उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे सिचुएशन चल रही है वैसी चलती रहेगी। पूर्णता अगर आपको अपनी परिस्थिति में कंट्रोल चाहिए या कोऑर्डिनेशन चाहिए सभी तरफ से, चाहे वो कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं या पारिवारिक स्थिरता की बात करूं, दोनों ही तरफ आपका सामंजस्य या बैलेंस बन चुका है, मन आपका शांत है, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, पारिवारिक एकत्रता, पारिवारिक एकजुटता की तरफ भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। कोई गेट टुगेदर भी परिवार के साथ हो सकता है, छोटा सा बताया गया गेट टुगेदर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा मजबूती देकर जा सकता है। साथ ही साथ आज के दिन लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी स्थिरता का रूप लेता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कहीं ना कहीं और मजबूती देता हुआ जाएगा। यानी कि आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको सता सकती हैं, इसलिए समय समय पर डॉक्टरी परीक्षण या निरीक्षण करवाते रहिए। साथ ही साथ आज के दिन अगर आपको लगता है कि छोटी सी परिस्थिति, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, छोटी सी परिस्थिति से आपको लगता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है तो उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं अगर आप सही समय पर डॉक्टरी परीक्षण या निरीक्षण के लिए जाएं। साथ ही साथ खान पान का आज के दिन परहेज रखना है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी अस्थिरता देखने को भी मिल सकती है, खासतौर पर सेकेंड हाफ के दौरान वर्कलोड आपका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो किस तरह से आपको बैलेंस बनाना है या किस तरह से चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ के आगे चलना है, वो डिसीजन आज के दिन आपके लिए लेना ज़रूरी है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से संबंधित है, प्रॉपर्टी मैटर्स से संबंधित है, तो आज के दिन आपकी परिस्थिति और स्ट्रॉन्ग और बेस टच कर सकती है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सोच के समझ के सारे तथ्यों को विचार विमर्श करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज के दिन आप एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। आपके द्वारा साइन किया गया आज का कोई भी डॉक्यूमेंट, या अगर आप लंबे समय में कोई ना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थिरता या रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल बन सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके परिवार के लिए शुभता, शुभ संकेत या स्थिरता लेकर आएगा। कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं रहेगा मिलेगा। जैसी परिस्थिति चल रही है वैसी चलती रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नया क्रिएटिव एक्यूमन भी आपका डेवलप रहेगा, तो नया कुछ प्लान कर सकते हैं। परिवार के साथ छोटी मोटी आउटिंग पे भी जा सकते हैं और ये छोटी मोटी आउटिंग जो आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं वो आपकी स्थिरता को और बरकरार रखेगा, पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही साथ क्वालिटी टाइम किया हुआ आपका जो परिवार के साथ आप बिताएंगे, वहाँ पर कोई परिवार का सदस्य आपको एक बहुमूल्य राय दे सकता है जो आपके जीवन में करंट सिचुएशन से आपको निजात दिला सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए।
तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने का है। आज का दिन उन सभी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा, चाहे व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, उनको अपने जीवन से हटाने का है, क्योंकि अगर वो लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं, आपकी परेशानी और बढ़ाते हैं, या आपको अगर आपके कॉन्फिडेंस लेवल या आत्मबल को नीचे लेकर आते हैं, तो उन लोगों को तत्कालीन रूप से आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति आपको सिर्फ मानसिक अवसाद देकर जाएगी। साथ ही साथ अगर कार्य क्षेत्र में आपको लगता है कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ सकती है, जहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो कार्यक्षेत्र में कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए, क्लियर रखिए, ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए चलिए, जिससे कि कार्यक्षेत्र में भी स्थिरता आपको देखने को मिले। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक स्थिरता भी बनी रहे, तो परिवार में या निजी संबंधों में आपको भी क्लैरिटी बरतने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको परेशान करके जा सकती हैं, इसलिए आज के दिन डाइट या खान पान पर आपको विशेष ध्यान देते हुए पूरे दिन को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडरी, अगर मैं बात करूं, अगर आप लॉन्ग टर्म करियर प्रॉस्पेक्ट को देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपके द्वारा बनाया गया कोई भी एक्शन प्लान, या अगर आप गोल ओरिएंटेड कोई प्रोसेस या प्रोसीजर बनाना चाहते हैं, तो वो परिस्थिति आपके लिए अब सकारात्मक रूप लेकर आएगी। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से अब्रॉड जाने के लिए इच्छुक थे, या कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों का वेट कर रहे थे, चाहे ग्रीन कार्ड आने के संदर्भ में वेट करें, या कुछ ना कुछ अब्रॉड से संबंधित सिचुएशन या कोई गुड न्यूज़ आने की वेट करें, वो अब परिस्थितियाँ आपके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग और टैक्सिंग साबित हो सकता है। पारिवारिक एकत्रता बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो आपको अपने दिमाग को आज के दिन थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। मन को शांत रखिए, छोटी छोटी बातों पे अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो थोड़ा सा आप काम से ब्रेक ले सकते हैं, अपने आप को सेक्लूजन के साथ आप इस चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ रही है, या कहाँ पर छोटी मोटी गलती हुई, अगर आप उसको सुधार लेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। कुल मिला के इसके अलावा और कोई विशेष परेशानी या परिस्थिति आज के दिन धनुराशि वालों को देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर लंबे समय से आप प्रॉपर्टी संबंधित मैटर्स में कुछ डिसीजन लेने की सोच रहे थे, कुछ बढ़िया डील नहीं मिल रही थी, तो अब वो समय आ गया जहां पर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड सभी मैटर्स आपके फेवर में आते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई लीगल मैटर भी कोर्ट में चल रहा है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी। इसके साथ अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, तो आपको कोई दिशा निर्देश, इन्फॉर्मेशन, सूचना, संकेत आज के दिन मिल सकता है। अगर आप उसको ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, उसमें से जो क्यूज आ रहे हैं उसको समझेंगे, तो आपकी परिस्थिति और ज़्यादा प्रबलतम आज के दिन होती हुई नज़र आएगी। सामाजिक साख या प्रतिष्ठा बनी रहेगी, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। परिवार में माता या मातातुल्य किसी सदस्य के द्वारा दी गई कोई भी सलाह अगर आप मानते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो लाभदायक आज के दिन साबित हो सकती है। साथ ही साथ परिवार के वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी ट्रैवलिंग प्रोफेशनल काम की वजह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको चिंता दे सकता है। कोई विशेष इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो वो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती हुई नज़र आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज का दिन प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इंडिकेट करके जाएगा। साथ ही साथ अगर लंबे समय से आप सारी चीज़ों को अपने फेवर में लेना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर चलें, जहां पर आप दोनों तरफ सिचुएशन दूसरी पार्टी के लिए भी विन विन हो, नेगोशिएट करने की सोच रहे हैं, या कोई ठोस एक निर्णय अपने लिए ले रहे हैं, सारी परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूलतम हो जाएंगी। बस आपको एक अपने लिए अच्छा सा रास्ता ढूंढना है। परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में है, किसी भी तरह, किसी भी अवस्था, किसी भी सिचुएशन में आपको अपना आत्मबल नहीं खोना है। कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करिए, चलते चलिए, जिससे कि आपको अपनी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी या शुभता या शुभ संकेत देखने को मिल जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपको सता सकती हैं, तो खान पान पर आज के दिन विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।